नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के PYQ और MCQ को सॉल्व करेंगे, जो आगामी NTA UGC द्वारा आयोजित नेट JRF परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आग्रह है कि ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक, निम्नलिखित में से किन पुरास्थलों से मध्य पाषाणिक अवशेष मिले हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव रिवील्ड मेसोलिथिक रिमेन्स। फर्स्ट बिरभानपुर, सेकेंड बुर्जभोम, थर्ड बागौर, फोर्थ पटपरा। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। हम लोग अगर बिरभानपुर की बात करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले में पड़ता है और इसकी खोज 1954 में बीबीलाल करते हैं और 1957 से इसकी खुदाई शुरू हो जाती है बीबीलाल के द्वारा। और बात करते हैं कि बागौर बुर्जभूम की, तो ये एक नियोलिथिक साइट है। जहाँ से हमें गर्त आवास और कुत्ते के साथ दफनाने का समाधान भी प्राप्त होता है। इसकी खोज 1935 में डिटेरा और पीटरसन करते हैं। जबकि बागौर की बात करते हैं तो बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है और 1967 ईस्वी में वीएन मिश्र के द्वारा इसकी खुदाई करवाई जाती है। और ये दक्कन कॉलेज के रहते हैं, जबकि इनके साथ एक और रहते हैं जिनका नाम रहता है LA लेसनिक। ये साउथ एशिया इंस्टीट्यूट जर्मनी के रहते हैं। जबकि और पटपरा की बात किया जाए तो ये मिडिल पैलियोलिथिक साइट है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये भी एक मेसोलिथिक साइट था, तो ऑप्शन ए और सी सही है। इस बिरभानपुर से लगभग 282 की संख्या में मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें ब्लेड, चांद्रे, बेधक, छिद्रक, ब्यूरीन और स्क्रेपर मिलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दो, निम्नलिखित में से कौन से 9 पाषाणिक पुरास्थल 6ठी से 7वीं सहस्राब्दी कालीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्योलिथिक साइट्स आर डेटेड टू 6th to 7th millennium BC। फर्स्ट झूसी, सेकेंड लहुरा देवा, थर्ड चिरान, फोर्थ महागड़ा। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। अगर हम झूसी की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड 7100 BC है और ये UP में पड़ता है। जबकि लहुड़ा देवा की बात करते हैं तो ये 7th millennium BC का टाइम पीरियड इसका भी है और ये भी UP में पड़ता है। चिरांत की बात करते हैं तो ये इसका टाइम पीरियड 2500 BC है और ये बिहार में पड़ता है। और महागड़ा की बात किया जाए तो इसका टाइम पीरियड 5 to 4 millennium BC है और ये भी UP में पड़ता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर 6th to 7th millennium BC में फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, ऑप्शन 1 और 2। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित उत्खनित मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में कहाँ से मुड़े हुए सावधान के साक्ष्य मिले हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेवेटेड मेसोलिथिक साइट्स हैव यील्डेड एविडेंस ऑफ फ्लेक्स्ड बरियल। प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, फर्स्ट लेखैया, सेकेंड बघई खोर, थर्ड दमदमा, फोर्थ लंगनाज। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 4 और 1। अगर हम लोग लेखैया की बात करते हैं तो यहाँ से लगभग 13 मानव के विस्तृत सावधान मिले हैं। जबकि बघई खोर की बात करते हैं तो ये एक शिलाश्रय है
दमदमा की बात करते हैं तो यहाँ से अधिकतर जो है पीठ के बल मिला है, मगर साथ ही साथ दो पैर मोड़ कर किए गए सावधान भी मिले हैं। और लंगनाज की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 14 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें से 13 मानव कंकाल को पैर मोड़ कर लिटाया गया है और दाहिने करवट लिटाया गया, साथ ही साथ उसका सिर जो है पूर्व दिशा में है। इस प्रकार से इसका देखते हैं तो 3 और 4 सही है, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी 3 और 4, यहाँ दमदमा के कुछ 41 हमें सावधान बड़ियल साइट्स प्राप्त होते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किन स्थलों से ज्वार के बीज मिले हैं? द डिस्कवरी ऑफ ग्रेन ऑफ सोरघुम इज रिपोर्टेड फ्रॉम फर्स्ट दायमाबाद, सेकेंड नेवासा, थर्ड बिलूर, फोर इनामगांव। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो अगर इसकी बात किया जाए तो दायमाबाद, नेवासा और इनामगांव ये तीनों जोड़वे संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जो कि महाराष्ट्र का एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। ऑप्शन 1 और 4। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, उच्च पुरापाषाणिक काल के खास उपकरणों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक फेज, फर्स्ट ब्लेडलेट्स, सेकेंड ब्यूरिन, थर्ड पियर शेप्ड हैंड एक्स, फोर हड्डी के हारपून। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। अगर हम लोग अपर पैलियोलिथिक फेज की बात करते हैं तो इसे ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर भी कहा जाता है, और ब्लेडलेट्स यहाँ पे इसको ब्लेड भी बोल सकते हैं। तो ब्लेड ब्यूरिन यहाँ से पता चल जा रहा है कि ये दोनों अपर पैलियोलिथिक फेज के हैं, और साथ ही साथ बोन भी हमें प्राप्त होते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के मुचतला जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ से। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यूपी के एक जगह है जिसका नाम लुहदा है, वहाँ से एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट हड्डी का हारपून या बोन हारपून मानते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पियर शेप्ड हैंड एक्स जो है वो एक लोअर पैलियोलिथिक कल्चर का पार्ट है या टूल्स है, जिसे असुलियन संस्कृति भी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, ऑप्शन सी 1, 2 और 4। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, अभिकथन, भारत में कृषि और पशुपालन के उद्भव का एक ही केंद्र नहीं हो सकता है। असर सर, देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ ए सिंगल सेंटर ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन इन इंडिया। कारण, आरंभिक कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य बिहार के सेनुआर से मिला है। रीजन, एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेनुआर बिहार। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर सही है, और ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है परंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं है। पर हम लोग बात करते हैं भारत में कृषि और पशुपालन के उद्भव का, तो हमें भारत में अलग अलग जगह से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि यहाँ एक ही केंद्र नहीं हो सकता है, जो कि यहाँ पे इस अभिकथन को सही बना रहा है। और हम लोग देखते हैं कि आरंभिक कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हम बिहार से भी प्राप्त होते हैं, और बिहार के सिनवार से, जो कि रोहतासगढ़ में पड़ता है, और इसकी खुदाई 1986 से लेकर 90 तक के बीच में डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी करते हैं। ये एक नियोलिथिक कल्चर साइट है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ए और आर दोनों सही है, और एक आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, अभिकथन, सनाय टाल में सूक्ष्म कोयला कण और सांस्कृतिक पराग परत मानवीय निवास तथा कृषि कार्य का 14,000 वर्ष पूर्व का सूचक है। इन द सिनाई ताल माइक्रो चारकोल एंड कल्चर पॉलेन डिपॉजिट्स आर इंडिकेटिंग ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी सिंस 14,000 BP। कारण, ताल में बाढ़ के कारण पराग कण आसपास के क्षेत्र से आए होंगे, अतः कृषि कार्य का कोई स्पष्ट सूचक नहीं है। द फ्लड
इन द ताल माइट हैव डिपॉजिटेड पॉलेंस फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरिया एज सच देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ऑप्शन दिए गए हैं ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन सी ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है और आर सही है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो जहाँ पे मानव निवास करता है या कृषि कार्य करता है वहाँ पे जो भी आग जलाने पर कोयला का कण प्राप्त होता है और साथ ही साथ वहाँ कृषि में जो भी पौधे होते हैं उसके पराग कण भी प्राप्त होते हैं। तो ये इस प्रकार से देखा जाए तो ये अभिकथन सही है। जबकि बाढ़ से किसी एक जगह पर सूक्ष्म कोयला कण और पराग कण का इकट्ठा होना, ये उसका डिपॉजिट होना, ये उस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहा है। इसलिए देखा जाए तो ए सही और आर गलत है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, अभिकथन ए अधिकांश उच्च पुरापाषाण स्थल खुले आकाशीय प्रकार के हैं। द मेजोरिटी ऑफ अपर पैलियोलिथिक साइट्स बिलोंग टू द ओपन एयर टाइप। कारण चित्तूर के रल्ल क्लब यह एक खुले आकाशीय प्रकार का स्थल है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन बी ए गलत है आर सही है, ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर सही है, बी ए और आर दोनों सही है परंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं है। और हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट होते हैं जो कि खुले स्थल में पाए जाते हैं, उसके ऊपर कोई शेल्टर टाइप का नहीं होता है। और तो देखा जाए तो ये पहला अभिकथन सही है और चित्तूर के रल क्लब एक खुले आकाशीय प्रकार का स्थल है। तो चित्तूर के रल क्लब की बात करते हैं तो चित्तूर में हमें केव वाले साइट भी प्राप्त हुए हैं, मडल क्लब जो साइट है वो एक ओपन एयर साइट है। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर सही है। प्रश्न संख्या 9, अभिकथन ए बढ़ईगिरी के उपकरण नौपाषाण उपकरण किट के महत्वपूर्ण हिस्सा है। कारपेंट्री इंप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ न्यूलिथिक टूल किट। कारण पाषाण की बनी हुई बसुली एक बढ़ईगिरी का उपकरण है। एडेज मेड ऑफ स्टोन इज ए कारपेंट्री इंप्लीमेंट्स। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर सही है, ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है परंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं तो नौपाषाण काल में कोई भी मेटल्स नहीं मिले हैं तो उस समय के सबसे हार्डेस्ट जो मेटल्स होते थे, हार्डेस्ट जो सब्सटेंस होते थे वो आपका स्टोन हो जाता था। तो जितने जो टूल्स मिलेंगे वो स्टोन सी टूल्स मिलेंगे और न्योलिथिक है तो यहाँ पे स्टोन टूल ही की प्रधानता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो पहला भी कथन है वो सही है और साथ ही साथ यहाँ पे जो उस बसुली है तो बसुली का यूज किसी चीज को बनाने में ही किया जाता है। तो इस प्रकार से एक बढ़ईगिरी का उपकरण ये भी सही है और कारण अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर सही है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, अभिकथन ए लोथल में मोहनजोदड़ो हड़प्पा प्रकार की कोई मात्र देवी नहीं है। देयर इज हार्डली एनी मोहनजोदड़ो / हड़प्पा टाइप मदर गॉडेस एट लोथल। कारण सौराष्ट्र के हड़प्पा काल में मातृ देवी की पूजा नहीं की जाती थी। सौराष्ट्र हड़प्पंस डिड नॉट वर्शिप मदर गॉडेस। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, बोथ ए एंड आर आर राइट, ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत है, बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। अगर हम लोग अभिकथन की बात करते हैं तो लोथल जो है गुजरात में पड़ता है और हम लोग देखते हैं साथ ही साथ जो राजस्थान का इलाका है जिसमें कालीबंगा हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें अग्नि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से अग्नि वेदिका और अग्नि कुंड का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पर मातृ देवी की पूजा प्रचलित नहीं थी और हम लोग मातृ देवी की पूजा के प्रचलन की बात करते हैं तो ये सिंध और पंजाब वाले जो इलाके हैं या जितने जो हड़प्पन साइट है यहाँ पर से हमें विभिन्न सील और स्कल्पचर्स या टेराकोटा मातृ देवी के प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अभिकथन भी ए सही है और कारण भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
कमेंट अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। आप सभी को धन्यवाद।